ग्रेटर नोएडा वेस्ट में धड़ाम से गिरी बिल्डिंग। मैं सामने था, ऐसे करके वो आया, ऐसे गिरा, उसके बाद नीचे वो लोग खाना पका रहे थे बेचारे लोग। छह मंजिला इमारत ने दूसरी इमारत को किया तहस नहस। यहाँ पे मलबा इतना है कि यहाँ पे हम घुस भी नहीं सकते हैं। यहाँ पर 18 परिवारों पर गिरी इमारत। अभी हम जांच पे जोर नहीं दे रहे हैं, अभी जोर दे रहे हैं रिलीफ और रेस्क्यू पे। बिल्डिंग के मलबे में फंसी 50 जिंदगी। आशंका है जिनके बचने की, उनकी भी उम्मीद हमारी टूटती नजर आ रही है। दुख का विषय यह है, बेगुनाहों को मौत बांटने वाले कौन? तीन से ढाई फीट खुदाई करके अब पिलर उठा देते हैं, बेच दिए। ग्रेटर नोएडा में हादसा या हत्या? माननीय मुख्यमंत्री जी पल पल की जानकारी ले रहे हैं, उन्होंने आगाह कर दिया है जांच के लिए। बिल्डर घर बना रहे हैं क्या बेगुनाहों की कब? जी हाँ, ऐसा पहली बार हुआ है जब सिर्फ 2 साल पुरानी एक रिहायशी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह जाए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना क्षेत्र में शाह बेरी में 6 मंजिला इमारत दूसरी 4 मंजिला इमारत पर गिर गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दफ्तर से जिला प्रशासन को तत्काल एक्शन लेने के लिए निर्देश दिए गए। चश्मदीदों के मुताबिक जिस 4 मंजिला इमारत पर ये 6 माले की बिल्डिंग गिरी है, उस बिल्डिंग में करीब 18 परिवार रह रहे थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग के मलबे में 50 लोगों के दमे होने की आशंका है। सूचना मिलने के तुरंत बाद एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर पहुंची, रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बचाव दलों ने अब तक 2 शवों को बरामद भी कर लिया है, जिसमें की एक पुरुष है और एक महिला का है। गौतम बुद्ध नगर के SSP अजय पाल शर्मा के मुताबिक कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। इधर NDRF की अब टीमों को बढ़ा दिया गया है, अब क्रेन्स को लगा दिया गया है और यहां से मलबे को उठाने का काम जारी है। मंगलवार रात ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ये रिहायशी बिल्डिंग बाशिंदों की कब्र बन गई। दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां रात के 9:15 बजा रही थी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की इस बिल्डिंग में रहने वालों के लिए ये वक्त बेहद खराब साबित हुआ। छह मंजिला इमारत सामने वाली बिल्डिंग पर आ गिरी। बिल्डर फ्लैट्स में रहने वाले करीब 18 परिवारों को दबे पांव मौत ने दबोच लिया। एक जोर की आवाज हुई और करीब 50 लोग बिल्डिंग के मलबे के नीचे दब गए। हर तरफ चीख पुकार मच गई। 2 बिल्डिंग गिरी हैं और करीब करीब 8 से 10 परिवार इसमें रह रहे थे आसपास में। अचानक से हुआ तो इसमें करीब करीब मिनिमम 30 के आसपास, 60 लोग के आसपास बताते हैं। बिल्डिंग एक साइड को पूरी तरह से झुकी हुई है, जिस साइड में बिल्डिंग गिरी है उसी साइड में झुकी हुई है और यहाँ पर 4 फ्लोर है जो एक के ऊपर एक आ चुके हैं। मैं मतलब वर्कर है, बहुत लोग है काम कर रहे हैं, क्योंकि बाजू वाला जो बिल्डिंग गिरा है इसको सपोर्ट में गिरा। मैं सामने था, ऐसे करके वो आया, ऐसे गिरा, उसके बाद नीचे वो लोग खाना पका रहे थे बेचारे लोग। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना क्षेत्र के शाहबेरी में निर्माणाधीन 6 मंजिला इमारत दूसरी 4 मंजिला इमारत पर गिर गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दफ्तर से जिला प्रशासन को तत्काल एक्शन लेने का निर्देश जारी किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में इमारत गिरने की घटना का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को तत्काल NDRF की सहायता से हर संभव मदद मुहैया कराने व घायलों के इलाज की समुचित व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा भी मौके पर पहुंचे, आसपास के अस्पतालों को अलर्ट किया। आसपास के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को आगाह कर दिया। कितने परिवार रहते थे इस बिल्डिंग में और कितने लोगों के दबे होने की? ये पूरी सूचना किसी के द्वारा भी नहीं मिल पा रही है, अपुष्ट सूचनाएं हैं। 10-12 परिवार या मजदूर या कितने लोग थे, माननीय मुख्यमंत्री जी पल पल की जानकारी ले रहे हैं, उन्होंने आगाह कर दिया है जांच के लिए।
तो मैं समझ रहा हूँ हम सब लोग मिलकर पहले चरण के अंदर हम मदद पहुँचाएं घायलों को, उसके बाद जांच का विषय। चश्मदीदों के मुताबिक जिस चार मंजिला इमारत पर 6 माले की बिल्डिंग गिरी, उस बिल्डिंग में करीब 18 परिवार रह रहे थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग के मलबे में करीब 50 लोग दब गए। सूचना मिलने के तुरंत बाद एनडीआरएफ की 2 टीम मौके पर पहुंच गई और शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। बाकी अभी सर्च चल रहा है बिल्डिंग के अन्य भागों में, और जैसे ही कोई और विक्टिम लोकेट होता है तो उसको भी निकाला जाए। डॉग स्क्वाड की मदद भी ली गई है, क्या उससे कुछ फायदा मिला है? देखिए, डॉग जो है वो सर्च में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, लेकिन डॉग जो है वो लाइव विक्टिम को बताता है, जिंदा व्यक्ति को बताता है। जिस प्रकार से ये कोलैप्स हुआ है, इसको देख के लगता नहीं है कि कोई अंदर शायद जिंदा बच्चा होगा। रात भर बिल्डिंग के मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम मशक्कत करती रही। बिल्डिंग क्यों गिरी, ये जांच का विषय है। अभी हम जांच पे जोर नहीं दे रहे हैं, अभी जोर दे रहे हैं रिलीफ और रेस्क्यू पे। एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है और स्थानीय पुलिस लगी हुई है, बाकी विभाग के लोग लगे हुए हैं। पहले यदि अंदर कोई संभावना है जीवित होने की तो पहले उस पर निष्कर्ष निकाला जाए। आसपास के लोगों ने 18 परिवारों पर गिरती मौत को साक्षात देखा है। 9:20 के करीब गिरी है ये बिल्डिंग, ये ऊपर से ही 4-5 फ्लैट एकदम अगली ओर से गिरे हैं। पहले ये वाली बिल्डिंग गिरी है, फिर वो वाली गिरी है, मतलब ऊपर के तो मैंने देखे हैं, फिर धुआंधार होगा, फिर बताना है क्या गिरा, क्या हुआ, क्या ना। सारी जमीन हिल गई, सारी धरती हिल गई। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, लोगों को मलबे के नीचे से निकालने की कोशिश जारी रही, कुछ लोगों को बचाया नहीं जा सका। ग्राउंड फ्लोर पे 2 व्यक्ति मिले हैं और जो कि हॉस्पिटल भेजे गए हैं, उनके बचने की संभावना न के बराबर है, और बाकी अभी और व्यक्तियों के इसमें दबे होने की आशंका है। ये काफी डेप्थ है बिल्डिंग की, तो अंदर और व्यक्तियों की होने की संभावना है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक चल रहा है, 2 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। बचाव टीम ने अब तक मलबे से 1 महिला और 1 पुरुष का शव निकाल लिया है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। तो रिलीफ ऑपरेशन लगातार चल रहा है, प्रमोद शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त मौके पर ही मौजूद हैं। प्रमोद, इस वक्त की अपडेट क्या है? देखिए, अभी मैं आपको अपडेट बता देता हूं कि 2 के बाद एक तीसरी डेड बॉडी को यहां से निकाला गया है, एम्बुलेंस में ले जाया गया है, और साथ में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कई लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है, लेकिन ये हादसा क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है, इसके इन सवालों के जवाब तलाशने में हम लगे हुए हैं। हमारे साथ आर के त्रिपाठी हैं, जो कि यहाँ के स्थानीय निवासी है, उन्हीं से जानते हैं। ये बताइए, ये बिल्डिंग 2 साल पहले बनी थी, अचानक से भरभरा के गिर गई और कई सारी बिल्डिंगें बनी हुई है, क्या कोई नियम कायदों का यहाँ पे पालन किया गया है या नहीं? नियम कानून कायदा यहाँ पर कुछ भी नहीं चलता, यहाँ के जो लोकल हैं, के जो लोकल हैं उनका वर्चस्व है, वो अपने मनमाना काम करते हैं, पैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में यहाँ के लोग पड़े हुए हैं, और कैसे भी घटिया काम कर करके उनको अपना फ्लोर, अपनी बिल्डिंग बेच देना है। ना रोड की व्यवस्था है, ना हमारा, सबसे बड़ी गलती तो हमारे प्रशासन की है कि हमारा प्रशासन जो है इनको क्यों परमिशन देता है। आज इतना बड़ा प्रशासन यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, लेकिन ये इसके पहले इन्हीं से पैसे लेकर के यहाँ पर बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है हमारे योगी सरकार से, अगर इस पर कड़े से कदम नहीं उठाए गए तो हमारा जो भविष्य है, भले आप 5 साल। लेकिन आप लोग कभी जागरूक नागरिक होने के नाते आपने कहीं कोई शिकायत करी है कि इस तरीके का अवैध निर्माण हो रहा है? आज आप बोल रहे हैं, पहले कभी शिकायत करी है? यहाँ पर शिकायत करने जाओ तो लाश की पता नहीं लगेगी आपके शरीर की, यहाँ का ऐसा मोनोपल्ली बनी हुई है। कोई भी शिकायत करने, आपको रहना है, ये पैसे दो, ये मकान खरीद लो, 5 लाख रुपए का मकान 3 लाख में आपको मिल जाएगा। तो हमारा ये कहना है कि शासन प्रशासन जो भी है, अगर इस पर लगाम नहीं लगाएगा तो आने वाला हमारी जो मानवता। जब आप शिकायत नहीं करेंगे, अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, तो आप ऐसे उंगली कैसे आप उठा सकते हैं? हमारी हम लोगों में एकता नहीं है। आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं, कम से कम 300 लोगों की जान गई है इस बिल्डिंग में, लेकिन आज कोई सुनने वाला है क्या, आप बताइए। भले आज इतने लोग प्रशासन इकट्ठा कर दिए,
आज भेज दिए, लेकिन इस लेकिन आप भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे भागे हैं कि नहीं भागे? हाँ, मैं भाग इसलिए रहा हूँ कि भाई हमको भी अपनी जान प्यारी है यहाँ पर, अपनी जान प्यारी है, बाकी दुनिया गई। ये तो हमारे देखिए ये लोग हैं जो अब आके यहाँ पे तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं प्रशासन पे और तमाम जो लोगों पे। बहुत अहम बात जी, बिल्कुल प्रमोद, बहुत अहम बात उठा रहे हैं कि लोग शिकायत नहीं करते हैं। जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन्हें सब पता है कि यहाँ पे नेक्सस है, यहाँ पर अवैध तरीके से बिल्डिंग बन रही है, यहाँ पे कुछ दबंग लोग हैं जिनकी शिकायत करो तो आपकी जान नहीं बचेगी, लेकिन कोई पहल नहीं करता है कि इसकी जानकारी दी जाए। एनोनिमस तरीका भी होता है, एक तरीका ये भी होता है कि आप शिकायत कर दें और ये कहें कि आप हमारा नाम मत दीजिएगा। क्यों नहीं यहाँ के लोग एकजुट हो जाते हैं और इस तरह के काम को रोकते हैं? प्रमोद, जरा शावेरी गाँव के बारे में बताइए, कितना इलीगल ये इलाका है और कितने ऐसे मकान यहाँ पर होंगे जिनके लिए जैसे कहा जा रहा है लैंड क्लियरेंस की जरूरत नहीं है? देखिए मैं आपको बता दूं, शावेरी गांव का नाम सबसे पहले जब आया था 2010 में, जब ग्रेटर नोएडा वेस्ट की जो जमीन अधिग्रहण का मामला सामने आया था और काफी बड़ा आंदोलन हुआ था कि लाखों फ्लैट जो है यहां पे बन रहे थे, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने जो है बिल्डरों को सस्ती दर पे जमीन बेच दी थी बीएसपी के कार्यकाल में। उसके बाद से आंदोलन यहाँ के लोगों ने किया, गांव वालों ने किया। उसके बाद से जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह मामला गया था, उसके बाद एक आदेश आया था कि जो शावेरी गांव के जितने भी लोग हैं, शावेरी गांव का ही एक किसान आदमी था जो सबसे पहले हाईकोर्ट गया था और उसकी जमीन पर स्टे लगाया था और उसकी जमीन वापस बिल्डर को करनी पड़ी थी। उसके बाद जितने भी लोग थे जिनकी जमीन अधिग्रहण की गई थी उसके ऊपर 65% ज्यादा मुआवजा देने की बात जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की थी और ये पूरी शुरुआत शावेरी गांव से हुई थी। ये गांव बिल्कुल विजयनगर जो कि गाजियाबाद में पड़ता है, क्रॉसिंग रिपब्लिक एक टाउनशिप है, उसके बाद में ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बीच का एक ऐसा स्ट्रेच है करीब 1.5 किलोमीटर का जहाँ की जमीन पूरी तरीके से ना तो बिल्डर के पास थी ना फिर गाजियाबाद के पास थी, ये गांव के जो किसान थे उनके पास थी। हाँ। उसके बाद इस जमीन के दाम रातों रात काफी ज्यादा बढ़ गए थे और यहाँ के छोटे मोटे जो ठेकेदार थे उन्होंने इसी जमीन पे छोटे छोटे प्लॉट पे और 5-5, 6-6, 7-7 मंजिला बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी थी जो कि आसपास की जो टाउनशिप थी या जो सोसाइटीज थी उसके जो फ्लैट थे उसके रेट के मुकाबले करीब आधे थे। तो लोगों का आकर्षण इस तरफ ज्यादा हुआ, यहाँ पर उन्होंने लेकिन यहाँ पर फ्लैट खरीदे ये जाने बगैर कि बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो नहीं दी गई थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था जो बुनियाद थी वो बहुत ही कमजोर रखी गई थी और घटिया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल किया गया था जिसका नतीजा आज आप ये सामने ही देख सकती है नंदिता। बिल्कुल, आसपास यानी कि डेवलपमेंट हुआ उस बीच में लोगों ने फायदा उठाया, यहाँ पर सस्ते मकान बनाए, लोगों ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये मकान अगर सस्ते हैं तो सस्ते क्यों हैं। सस्ते इसीलिए हैं क्योंकि इसमें घटिया मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है और इस तरह की जब दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं होता। राजू राज हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए। राजू, ये बताइए ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जमीन है जहां पर बिल्डिंग बन गई है, जहां पर फ्लैट बेचे जा रहे हैं, 25-25 लाख रुपए में फ्लैट बेचे जा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी लेने वाला अकाउंटेबल वाला कोई नहीं है? निश्चित तौर पर नंदिता, एक बड़ा सवाल यहाँ पर, क्योंकि आसपास की जितनी भी सोसाइटी है उन्हें बकायदा रजिस्टर्ड होते हैं और ये जो गांव की जमीन है, गांव की जमीन पे जो प्राइवेट बिल्डर हैं वो जमीन गांव की खरीद लेते हैं और उसके बाद यहाँ बिल्डिंग बना के बेचते हैं। 5 फ्लोर 6 फ्लोर 7 फ्लोर ऐसी बिल्डिंग बनाई जाती है और उसके बाद जब कोई भी हादसा या दुर्घटना होती है तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे मामले में जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और ऐसा नहीं कि उनके पास ये जानकारी नहीं होती है, पूरी जानकारी होती, क्योंकि सीवर लाइन बिजली सारी अथॉरिटी के जरिए यहाँ पर लगाए उनकी जानकारी होती है, उसके बाद सह दिया जाता है ऐसे बिल्डरों को जो अनऑथराइज तरीके से जमीन होती है, पूरा जो लॉज होता है उसको फॉलो नहीं किया जाता। और यहाँ नंदिता अभी कुछ देर पहले तीसरी डेड बॉडी निकाली गई है, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर खड़ी हुई, तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा कि अभी भी जो जेसीबी मशीनें हैं वो कोशिश कर रही है कि एक रास्ता बनाया जाए ताकि एनडीआरएफ की टीम अंदर जाए और ये पता लगाए कि कितने लोग यहाँ पर दबे हैं। जो जानकारी मिल पाई है, गंगा शरण नाम द्विवेदी नाम का जो
बिल्डर है जो यहाँ पर इस बिल्डिंग को बना रहा था। एक फैमिली कल ही शिफ्ट करने वाली थी लेकिन वो शिफ्ट नहीं की थी और आज ये बिल्डिंग कोलैप्स कर गई। कहीं ना कहीं लापरवाही प्रशासनिक स्तर पर है जिसको नजरअंदाज किया जाता है। ऐसी एक नहीं हजारों बिल्डिंग इस आसपास के इलाके में है जहां पर सड़कें नहीं है उसके बावजूद भी बिल्डिंग बना दी जाती है और गांव की जमीन है जहां जो लॉ एंड मापदंड है उसे पूरा नहीं किया जाता है। हाँ बिल्कुल राजू, हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अवैध तरीके से यहां पर बनाई गई इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। क्या यहां पर रजिस्ट्री नहीं होती, क्या किसी से परमिशन नहीं ली जाती है, या फिर इतना बड़ा घोटाला है, इतना बड़ा नेक्सस है कि सब कुछ हो जाता है और पेपर्स पे कुछ नहीं है। देखिए नंदिता, नेक्सस तो जरूर है और कहीं ना कहीं मिलीभगत अधिकारियों की जरूर होती है, रजिस्ट्री इन फ्लैट्स की जरूर होती है। ऐसा नहीं कि रजिस्ट्री नहीं होती, क्योंकि ये जमीन गांव की जमीन है और गांव की जमीन में चूंकि ये 5 मंजिला या 6 मंजिला जब बिल्डिंग बनाई जाती है उसका लॉ एंड ऑर्डर को फुलफिल किया जाता है लेकिन उसे कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर नजरअंदाज किया जाता है और यही वजह है कि ऐसी घटनाएं अक्सर हमें और आपको सुनने को मिलती है। और जो लॉ एंड ऑर्डर की तस्वीरें हैं पूरे मकान की रजिस्ट्री की जाती है, बकायदा यहाँ पर सीवर लाइन बिछाए जाते हैं, बिजली लगाई जाती है चूंकि जब लोग बस जाते हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के लिए भी लोग वोट बैंक होते हैं इसलिए लिहाजा जो कमी होती है उसे पूरा किया जाता है। लेकिन जब ये मकान ये बिल्डिंग्स ऐसे बनाई जाती है उस समय सारे नियमों को नजरअंदाज किया जाता है, उसकी धज्जियां उड़ाई जाती है। बिल्कुल, और हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसा कि प्रमोद हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कंप्लेन की गई थी। प्रमोद, आरडब्ल्यूए, कौन सा आरडब्ल्यूए जिसने कंप्लेन की थी, कौन थे वो लोग जिन्होंने कंप्लेन की थी और क्या जवाब उनको मिला पुलिस से? देखिए बिल्कुल, इसी जो शाबेरी गांव का जो कॉलोनी है यहां के आरडब्ल्यूए वालों ने कई बार कंप्लेंट की है नोएडा अथॉरिटी को, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को और तमाम जो आरडब्ल्यू के अधिकारी उन्होंने साइन करके कंप्लेंट किया कि किस तरीके से इस पूरे इलाके में अवैध निर्माण हो रहा है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो उन्हें नहीं दी जा रही और एक के बाद एक अवैध निर्माण हो रहा है, कोई उस पर लगाम लगाने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो तमाम बड़े अधिकारियों के पास गए हैं लेकिन सबने अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर टाल दी है। उनका साफ कहना था, उन्होंने हमें दस्तावेज दिखाए कि हमने कंप्लेंट की है, अगर उस पर वक्त रहते कार्रवाई की जाती तो आज शायद इस तरीके का हादसा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2-3 साल से यहाँ पर अवैध निर्माण हो रहा है, यहाँ पे जो प्रशासन और जो बिल्डर हैं उनके नेक्सस काम कर रहा है, उसने इस तरीके की मौत की इमारतों को खड़ा कर दिया है जिसकी वजह से ना जाने कितने लोगों की जिंदगी कब चली जाए, इस बात की जानकारी उन्होंने प्रशासन को कई बार दी है लेकिन उन्होंने एक अथॉरिटी नोएडा अथॉरिटी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ऊपर पल्ला झाड़ देती है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ऊपर या फिर ग्राम पंचायत के ऊपर पल्ला झाड़कर अपना पीछा छुड़ा लेती है और इस समस्या का इस शिकायत का निवारण कोई भी नहीं करता था जिसका नतीजा आज सबको देखने को मिल रहा है। अगर वक्त रहते इस पर कार्रवाई की जाती तो शायद आज कई लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सकता था। बिल्कुल, दुखद बात यही है कि जागता ही प्रशासन तब है जब कोई दुर्घटना हो जाती है, जब लोग सवाल उठाने लगते हैं। राजू, इसमें कोई शक नहीं है नोएडा ऐसी जगह है, नोएडा ग्रेटर नोएडा, जहां पर बिल्डर्स का बहुत बड़ा नेक्सस है, यहां पर बहुत गुंडागर्दी चलती है, पूरी तरह से यहां पर जो घपलेबाजी की जाती है पैसे की, ये नोएडा में बहुत आम बात है, कई बार सामने आ चुकी है, कार्रवाई कोर्ट केसेस में सामने आती है तो कई बार लोग इस बारे में कुछ कह नहीं पाते हैं, लेकिन जो लोगों की जान जा रही है वो तो बहुमूल्य है, उसके पीछे तो जवाबदेही बननी चाहिए। निश्चित तौर पर एक जवाबदेही निश्चित तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों और सबसे बड़ा इस केस की बात करूं तो इस केस में पहले शिकायत दी गई थी आरडब्ल्यू की तरफ से, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी है नोएडा पुलिस है उनकी जिम्मेदारी थी कि यहां पर जो शिकायत दी गई थी उस पर जल्द से जल्द कोई एक्शन ले कार्रवाई करे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। यही आरोप स्थानीय लोग यहां पर लगा रहे हैं, जो आरडब्ल्यूए के लोग हैं ये आरोप लगा रहे हैं तो जवाबदेही बनती है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मसले पे ना तो नोएडा अथॉरिटी, ना तो पुलिस, ना तो यहां के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीएम के नेतृत्व में पूरा शहर चलता है, उसके बावजूद कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। एक बड़ा सवाल लगा लीजिए आप हिसाब से। आपका नाम? मेरा नाम सलाहुद्दीन है जी। ये बिल्डिंग तो चालू थी, इसमें तो कम से कम ना तो करीब जब हम आते जाते थे देखते थे तो फैमिली, काफ़ी फैमिली थी इसमें,
कम से कम ज़्यादा 150 आदमी के करीब इसमें इस बिल्डिंग में थे। जो दूसरी बिल्डिंग है जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी जिसमें काम चल रहा होता, कहा जा रहा है कि पूरी है। अच्छा, लापरवाही तो जी पूरी है। अब गिर गया तो सब आ रहे हैं, पहले कभी कोई नहीं आया, सब कमीशन लेके चल देते हैं अपना। शिकायतें दी जाती है, क्या उस पर कोई एक्शन होता है? कोई एक्शन नहीं है। आप लोग नजर में जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार के यहाँ के अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, बिकॉज आप यहाँ से वहाँ तक देखेंगे सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन ही है। अच्छा, ऑफकोर्स अथॉरिटी की जिम्मेदारी है यहाँ पे। तो जब आप लोग यहाँ पर बिल्डिंग या घर खरीदते हैं तो क्या इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि ये वैध है या अवैध है? सर, एक आम आदमी कितना कुछ पता कर लेगा? आप एक बात बताइए, बैंक लोन करती है, बैंक लीगल करती है, टेक्निकल कर रही है, तो बैंक भी अपने एंड से फ्रॉड कर रही है ना। अच्छा, जिम्मेदारी बैंक की भी बनती है जो यहाँ पर है। एक लोन में एक लीगल पर्सपेक्टिव होता है, एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव होता है, वो दोनों अगर ताक पे रखा गया तो जिम्मेदारी तो बैंक की भी आती है। अब बैंक लोन मांगेगी जिसका घर गया है, वो EMI कहाँ से देगा? वो तो एक अलग इशू है। जब अथॉरिटी यहाँ परमिशन देती है घर बनाने के लिए? ऑफकोर्स देती है। आप यहाँ से वहां तक देख लो, रोड तक बिल्डिंग पहुंची हुई है। आप मेन रोड से अगर आप आ रहे हो, आपको रोड तक बिल्डिंग निकली हुई है, जो देखने में लगता है वो इलीगल है। क्या ये मिली भगत होती है प्रशासन की, अथॉरिटी की? बिल्कुल होती है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनका साफ तौर पर ये आरोप है कि जिस तरीके से इस बिल्डिंग को बेचा जाता है, बैंक भी लोन देती है और बैंक लोन सैंक्शन करते है, कहीं ना कहीं पूरी प्रक्रिया में एक पूरा नेक्सस काम करता है जिसकी वजह से इस तरह के हादसे होते हैं। इलीगल जमीन पर, गांव की जमीन पर, जहां मापदंड पूरे नहीं किए जाते और उसके बावजूद बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है। और ये पूरा जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट का इलाका है, यहां पर चारों तरफ सोसाइटी है, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है, उसके बावजूद जो बीच का इलाका है, गांव का इलाका है, उन जगहों पर इस तरह से बिल्डर्स घर बनाते हैं, बैंक भी लोन पास करती है और उसके बावजूद ऐसे हादसे होते हैं। और आप यहां पर बुजुर्ग हैं, यहीं रहते हैं, क्या लगता है किसकी लापरवाही है? लापरवाही तो सभी दिख रही है, तो कच्चा माल लग रहा है, बिल्डर ने की है और सही बना में 9 इंची की दीवार लेके चले तो उसमें और ही आ लेते। इसमें क्या है, 4 इंची की तो कुल्ली है। जो पूरे मापदंड है उसको पूरा नहीं किया जाता है? पूरा नहीं होता, सच में ही पूरा ना होता। तो आप लोग की यहाँ जमीन है, आप लोग विरोध नहीं करते? हमने तो जब मकान बनावे है तो कच्चे भी बनावे ना, तो अभी चौड़ी दीवार धरे है और अब ये पक्का बना रहे, 4 इंची पे ही चल रही है। किसकी लापरवाही मानते हैं? भैया, मैं तो लिखा पढ़ा तो हूँ ना, बाकी ये बिल्डर की लापरवाही है, अथॉरिटी की लापरवाही है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही है और बिल्डर की लापरवाही है। अथॉरिटी के जो लोग हैं उनसे मिली भगत से यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है और सबको मालूम है कि ये इलीगल है। जितनी भी ये बिल्डिंग है ना, ये इलीगल है। जो बड़े बड़े बिल्डर हैं उनकी लीगल हैं और उनके मानक भी पूरे तैयार हैं, पर लेकिन इनके मानक बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और अभी तो आगे आगे आप देखना, जब यहाँ पे भूकंप आएगा ना, आप इन बिल्डरों की हालत इससे भी बड़ा। क्या जो आप लोग यहाँ पर घर खरीदते हैं या बनाते हैं, क्या आप लोग इसकी शिकायत प्रशासन से नहीं करते? कोई नहीं सुनता सर, सब अपने रिश्वतखोरी चलती है, सब रिश्वतखोरी चलती है, कुछ नहीं होता। नहीं, हम सरकार की नहीं मानते। इसमें ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो है मेन, इसमें वही है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का हम लोगों पे बहुत गुस्सा रहता है क्योंकि हम इसी गांव के हैं, हेवतपुर गांव है हमारा तो। पर लेकिन हमें दुख होता है, जब हमारी जमीनें यहाँ पे गई थी तो हमें 8 लाख रुपए बीघे का मुआवजा मिला था और इस गांव की जमीनें 80-80 लाख रुपए बीघे के हिसाब से जा रही हैं। और तो हमें दुख होता है कि इलीगल हो रहा है और हम लूट गए, तो हमें ये एहसास होता है यहाँ पे। तो आप लोग कभी शिकायत करते हैं, किसकी जिम्मेदारी बनती है? शिकायत नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इस तरह से इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, लोग को जान माल की हानि होती, क्यों नहीं शिकायत करते आप लोग? सबसे पहले जो है वो हादसा मतलब किया नहीं, ऐसा मतलब हुआ नहीं, ऐसा पहला हादसा हमारे यहाँ ऐसा। हाँ जी, किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। आप बताइए किसकी जिम्मेदारी बनती है? अथॉरिटी की जिम्मेदारी है और जो बिल्डर है यहाँ पे, इन दोनों की ही जिम्मेदारी है। आप यहाँ पर हैं, ये बताइए आपका नाम क्या है? PN सिंह। किसकी जिम्मेदारी बनती है ये? सर, ये फाइनेंस करते हैं जो
बैंक ने फाइनेंस करता है, क्या सोच समझ के फाइनेंस करता है? अच्छा, इधर देख के बताइए, क्या सोच समझ के फाइनेंस करता है? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जब फाइनेंस करा के घर दिला देते हैं और सीमेंट नहीं लगा है, अथॉरिटी है कि अनअथॉरिटी है, इसका कोई क्वालिटी कंट्रोल करने वाला यहाँ पर कोई नहीं होता है, जब ऐसी होता है। हाँ, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, अथराइज है कि नॉन अथराइज है ये कोई नहीं जानता है, सिर्फ बुक करा देते हैं, मूव करते हैं जब जाने की होती है उसमें। तो आपने सुना कि यहाँ पर जो इलाका है ये क्रॉसिंग रिपब्लिक, जो कि गाजियाबाद में आता है और नोएडा, इसको जोड़ता है, हजारों लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं रोज, लेकिन किसी का ध्यान इस लीगल कंस्ट्रक्शन पे नहीं गया। और अब जब दुर्घटना हो गई तो लोग कह रहे हैं कि हमें पता था ये लीगल तरीके से बन रही है। सवाल ये उठता है कि क्या लोगों में इतनी दहशत थी कि वो जब जाएंगे अपना कंप्लेंट लेकर तो उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, या फिर उन्हें परवाह नहीं थी और वो वेट कर रहे थे कि एक दुर्घटना हो जाए। अथॉरिटीज भी जिम्मेदार है, बैंक भी जिम्मेदार है, लोग भी जिम्मेदार है।